वैसे तो चाय की 17 भांति हैं, वैसे तो चाय की 17 भांति हैं, लेकिन मुझे रंग गाढ़ा और स्वाद की जरा तीखी सी भांति है। और अमूमन जिंदगी में समझौतों का एक अलग ही अपना किस्सा है, लेकिन भाई चाय समझौतों के परे से किस्सा है। लेकिन भाई सेहत पर ध्यान आया है तो चाय से कुछ वक्त के लिए दूरियां हो गई हैं, और इस बात से मेरी दोस्त रेहाना को कुछ गलत फहमियां सी हो गई है। मेरी दोस्त रेहाना उस दिन बोली, अच्छा सुनो यार, अब ये चाय से मोहब्बत तो तुम्हारे जिंदगी में रही नहीं, तो क्यों ना थोड़ी कॉफी टेस्ट की जाए, लाइक यू नो टिंडर हैपन। आई सेड नो, आई डोंट नो, बाय गॉड ऑफलाइन इतनी कॉफीज हो जाती हैं कि ऑनलाइन कॉफीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा यार समवर बोरिंग समवर इंटरेस्टिंग, बट फिर भी रिहाना मैडम मुझे जबरन लेफ्ट एंड राइट साइड के फंडे समझा रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब दोस्ती में थोड़ा बेपर्दा होते हैं और बता देते कि सुनो मैंने कैफे लेटे एस्प्रेसो कैपेचिनो सारे सौ चखे हुए हैं, लेकिन जो चाय की महक, जो चाय का स्वाद होठों को छूता तो आंखों में चमक होती, उस चमक की तलाश में काफी कॉफीज हो गई हैं। और एक दिन ये कॉफीज की वैरायटीज में आया एक चॉकलेट शेक। अच्छा यार मैं भी कॉफी से बोर हो गई थी। इतना सुनते ही रेहाना बस जमकर बैठ गई और जैसे मेरा वायवा लेने लगी। अरे वाह मैडम चॉकलेट शेक क्या बात है। मैंने कहा हाँ यार चॉकलेट शेक, क्योंकि शायद अलग है थोड़ा। और रेहाना के सवालों पे सवाल जैसे पक्के से मेरा वायवा चल रहा, और मैंने अपना वायवा कुछ ठीक ठाक यूं दे दिया कि हाँ कॉफी से अलग है, और चाय के स्वाद तक उसने मुझे कभी पहुंचने नहीं दिया, उसने मुझे अपना इश्क कभी चखने ही नहीं दिया। वैसे उसकी उम्र 32 है, बता इसलिए रही हूँ कि मैं महज 23 की हूँ, तो जायज है उसकी कॉफीज मुझसे ज्यादा रही होंगी। और उसे चाय कैसी पसंद है और पसंद है भी या नहीं कि मैंने कभी जाना ही नहीं, जाना तो बस इतना कि वो जो सारी कॉफीज वाली लाइंस होती थी कि यू आर सो प्रिटी हॉट सेक्सी, जिसकी मुझे आदत सी थी, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा सुनो ना, ना तो तुम प्रिटी हो और ना ही तुम सेक्सी हो, तुम्हारी हरकतें क्यूट है, तुम्हारी इनोसेंट स्माइल क्यूट है, और जब मुलाकात थी तो भाई एक वॉक तो बनती है, और जब वॉक थी तो मेरे दिमाग में भाई कॉफी सारी लाइन चल रही थी कि अब बोलेगा पक्के से, अब तो बोलेगा कि यार तुम्हारे हाथों की नरमी में कुछ तो बात है। बट फिर कुछ उसने ऐसा कहा कि जो उसे फिर से मुझे एक अलग सा एहसास दे दिया, तेरी हाथों की नरमी से ज्यादा तेरी आंखों की नमी का एहसास है मुझे, तेरे हाथों की नरमी से ज्यादा तेरी आंखों की नमी का एहसास है मुझे, तेरी चाहत नहीं बस तुझ पे नाज है मुझे। मेरा वायवा खत्म होता इससे पहले ही रेहाना का एक और सवाल, व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट विद हिम। पता है उसने भी कुछ ऐसा ही पूछा था कुछ वक्त पहले कि आई एम अ टेंपरेरी पर्सन इन योर लाइफ बट व्हाट विल रिमाइंड यू ऑफ मी, एंड आई रिप्लाइड अ फॉरहेड किस। अब इसमें रेहाना ने वायवा का फीडबैक देते हुए कहा, मैडम लगता है अब आपको इश्क हो गया है चॉकलेट शेक से, काश मैं उसे समझा पाती, चाय थोड़ी ना है।